अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जुड़े 24 रोचक तथ्य। सिख धर्म की आस्था का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित स्वर्ण मंदिर है, जहां देश विदेशों से सिख प्रतिवर्ष आते हैं। यहां न केवल सिख बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। अनेक त्रासदियों को झेलने के बावजूद भी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की गरिमा बरकरार रही है और इंसानियत में आस्था बनी रही। आज हम आपको इसी स्वर्ण मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों में आपकी गिनती स्मार्ट लोगों में हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे रिवॉल्यूशनरी चैनल। जिसमें हम फिल्म और खेलकूद की जानकारियों के अलावा बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुस्लिम सूफी पीर साईं मियां ने रखी थी, जो शुरू से ही सिख धर्म में झुकाव रखता था। स्वर्ण मंदिर पहले ईंटों और पत्थरों से बना था, लेकिन बाद में इसमें सफेद मार्बल का प्रयोग किया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में मंदिर के गुंबद पर सोने की परत चढ़वाई थी। स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियां ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ जाती है, जो इंसान को ऊपर से नीचे आना सिखाती है। हर मंदिर साहब में बने चार दरवाजों का मतलब चार धर्मों से है। यहाँ किसी भी धर्म का इंसान आ सकता है। इस मंदिर का किचन विश्व का सबसे बड़ा किचन है, जहाँ पर लगभग 1,00,000 लोग प्रतिदिन मुफ्त में खाना खाते हैं। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने भी गुरु के लंगर में आम लोगों के साथ बैठकर प्रसाद खाया था। इस मंदिर में 35% पर्यटक सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों के होते हैं। इस मंदिर में साधारण से लेकर अरबपति तक अपनी सेवा देते हैं। ये जूते पॉलिश लेकर थाली तक साफ करते हैं। माना जाता है कि सरोवर के बीच निकलने वाला रास्ता ये दर्शाता है कि मौत के बाद भी एक यात्रा होती है। इस मंदिर में 24 घंटे हलवे की व्यवस्था रहती है। अनुमान के मुताबिक रोज यहाँ 2,00,000 रोटियां बनती हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास ने की थी। कुंड के मध्य में स्थित हरमंदिर साहिब का निर्माण सिख धर्म के पांचवे गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। 1604 में गुरुद्वारे के निर्माण के बाद गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना कर पहले ग्रंथी बाबा बुद्धा को नियुक्त किया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की सबसे दुखद घटना 1984 में हुआ ब्लू स्टार ऑपरेशन था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में छुपे धर्म युद्ध मोर्चा को रोकने के लिए सेना और टैंक मंदिर में प्रवेश करवाए। ब्लू स्टार ऑपरेशन से हर मंदिर साहब को सबसे अधिक नुकसान हुआ। ब्लू स्टार ऑपरेशन का बदला सिख धर्म के लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर पूरा किया। स्वर्ण मंदिर में स्थित सरोवर के पानी को अमृत की तरह माना जाता है, जिसमें पानी रावी नदी से आता है। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश से पहले हर पर्यटक की शुद्धता और पहनावे पर ध्यान दिया जाता है। पहनावे में पूरा शरीर सहित सिर कपड़े से ढका होना चाहिए और मादक पदार्थ सेवन व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। गुरुद्वारे में स्थित सिख म्यूजियम में आप सिख धर्म के इतिहास, उनके धर्म गुरु और उनकी जीवन यात्रा का सचित्र वर्णन देख सकते हैं। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लगभग 30,00,000 पर्यटक आते हैं, जबकि स्वर्ण मंदिर में एक महीने में ही 30,00,000 पर्यटक खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जुड़े 24 रोचक तथ्य। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं।